हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं महल के हाई वोल्टेज पीटीसी हीटर्स के बारे में। अब महले की अगर बात करी जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, हॉर्न्स देखने को मिलेंगे, लाइट्स देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, और बहुत सारी ऐसी एसेसरीज़ देखने को मिलेंगी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत फेमस है। अब महले ने जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी जो है एक ऐसा कंपोनेंट रेडी किया है जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इस कंपोनेंट को जो है उन्होंने नाम दिया है हाई वोल्टेज पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हीटर। अब इसके अंदर जो है जिस तरीके से आपका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस या टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस जिस तरीके से इंक्रीज़ होगा पीटीसी एलिमेंट का, तो वहाँ पे जो है हमारे जो हीटिंग सोर्सेज हैं या हीटर्स हैं उसके हीटिंग कैपेसिटी को या फिर उसके हीटिंग टेम्परेचर को चेंज किया जाएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जितने भी सेंसर्स, हीटिंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके टेम्परेचर सेंसर कूलेंट का हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर सेंसर किसी भी एरिया का हो, तो वहाँ पे जो है आपको NTC टाइप देखने को मिलेगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस गिरेगा, तो यहाँ पे जो है जब टेम्परेचर बढ़ेगा पीटीसी के अंदर तो रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कूलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे जो है सिस्टम जो एक सेल्फ सफिशियंट है, जिसके अंदर हीटिंग पंप खुद का है, लाइट इन वेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इस तरीके से जो है ये पूरा कंपोनेंट हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को बहुत इंप्रूव देने वाला है। ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज़ होगा। मैं आपको यहाँ कन्फर्म कर दूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यही जो है ये हमारे हीटिंग पंप्स लग के आएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वहाँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलती है, अब उस कोल्ड कंडीशंस के अंदर भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर भी जो है ये हमारे व्हीकल्स की जो परफॉर्मेंस है उसको 20% इम्प्रूव करेगा। 20% जो है एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टर्म्स में, क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर अगर बढ़े या कम हो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी बैटरी के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उस एडवर्स इफेक्ट से जो है बेसिकली आपकी रेंज को जो है वो डिक्रीज कर देता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जहाँ जैसलमेर टाइप, वहाँ पे जो है आपको रेंज थोड़ी कम मिलेगी, लेह लद्दाख की तरफ भी जो है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे भी जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज थोड़ी कम मिलेगी। मॉडरेट एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसी वजह से जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रेंज का, एवरेज का डिफरेंस आ जाता है लोकेलिटी पर डिपेंड करते हुए। तो यहाँ पे जो है महले का जो ये सिस्टम है हाई वोल्टेज पीटीसी हीटर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जब 20% इंप्रूवमेंट देगा तो मुझे लगता है कि जितने भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ स्पेशली हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे भी जो है आपको अच्छी खासी एवरेज 20% इंप्रूवमेंट के साथ एवरेज देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी इसको पहले यूज़ करेगी अपनी व्हीकल के अंदर, हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम हर हफ्ते ही ऐसे ही कोई ना कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।